again. It's a rich thing. सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आप सभी का। लास्ट ईयर हम इंट्राडे वीडियोस आफ्टर मार्केट शूट करते थे, एंड नाउ दिस ईयर फ्रॉम लास्ट फोर मंथ्स आई एम डूइंग लाइव स्ट्रीम्स। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग हम करते हैं ऑलमोस्ट 9 AM से लेके 11:30 तक। सो 2 आवर्स तक हम स्ट्रीम करते हैं, जहाँ पे क्या है लाइव इमोशंस वगैरह सीखने को मिलते हैं। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग द लाइव इंट्राडे वीडियोस एज वेल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो जो भी हम लाइव स्ट्रीम के अंदर ट्रेड्स लेते हैं वो पोजिशन में शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर कुछ कंडीशंस रहते हैं जहाँ पे हम शेयर नहीं कर सकते। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हिंडाल्को के अंदर हमने ट्रेड लिया है। सो वही हम ट्रेड जो है आज डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में ये मैंने बताया था, इसके अंदर एक पोजिशन ली है। ठीक है, आप देख सकते हो हिंडाल्को के अंदर हमने पोजिशन लिया है, इस कैंडल के ऊपर बाई किया है। ये मैंने ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया था, एंड अगर आपको मिस नहीं करना है तो ये मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी सुबह जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था आपने उसके ऊपर शेयर किया था। ठीक है, 645 कुछ क्वांटिटीज हमने लिया है। इनिशियल रिस्क अपना इस लेवल के था, बाद में हमने ट्रेल किया है। अभी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है और भी ऊपर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिस्टम में किया नहीं, बट अभी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल के अराउंड है। तो रीजन काफी सिंपल है, स्ट्रीम अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। आज जो सेक्टरल इंडाइसेस देखोगे तो उसके अंदर जो है मेटल जो है काफी अच्छा चल रहा है, जैसे जिंदाल स्टील, JSW, वेदांता वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मेटल आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप गेनर में 2.86 ऑलमोस्ट 3% के नियर बाई चल रहा है इंडेक्स निफ्टी कमोडिटी रियल्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ खास कर नहीं रहा है, गैप ऑफ ओपन हुआ था, मोमेंटम दिखाया था, वो फेड हुआ था, एंड देन तुरंत से सेल ऑफ आया था और उसी के अंदर रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो इट्स कंप्लीट साइडवेज। दिन आज मेटल्स का है तो मेटल्स के अंदर हमने ट्रेड लिया। इसके पहले हमने JSW दिया था, उसके बाद में हमने स्विच किया था वो ऑर्डर कैंसिल करके और हिंडाल्को के अंदर लिया था। हिंडाल्को थोड़ा सा स्लो स्टॉक है, ये अगर मोमेंटम होल्ड करता है तो सेकेंड हाफ में जो है वो कंटिन्यू करता है मोमेंटम मोस्टली। सो इसने लेने के बाद ऑलमोस्ट साइडवेज ही है, कुछ अपना 1800 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। सो रिस्क जो है हमने कम किया है ऑलमोस्ट 1:7 का जो है, 8 का ऑलमोस्ट अपना RR है अभी। ठीक है, ये टारगेट के लिए प्रॉपर होल्ड करेंगे। सो एक ही ट्रेड है अपना दोस्तों, ये मैं एज एन चैलेंज की तरह लेता हूँ, ये 5 लाख का अकाउंट है। ठीक है, सो इसके अंदर जो है अपना ट्रेलिंग हो चुका है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने किया है ऑलमोस्ट ये लेवल के नियर बाय। टारगेट मैंने लगाया नहीं क्योंकि टारगेट अभी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये हाई ब्रेक करता है तो टारगेट भी लगा देंगे हम। सो ये दोस्तों अकाउंट है 5-6 लाख के अराउंड मेंटेन करता हूँ। 0.3, 0.5% के मैं 2 ट्रेड लेता हूँ दिन में। ठीक है, 0.5% के साथ और छोटे कैपिटल के साथ कैसा ग्रो करना है अकाउंट, वो ये सीरीज के अंदर हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। एंड 4-5% मंथली कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज के दौरान रिस्क टू रिवॉर्ड अपना 1:1.5 के ऊपर रहता है मोस्टली। ठीक है, तो इसी के साथ 70-75% एक्यूरेसी भी रहती है तो वो काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाता है। ठीक है, सो ये प्लान है। हिंडाल्को के अंदर हमने ट्रेड लिया है, बेसिकली ये ब्रेकआउट अगर देखो तो डे हाई का मेटल पे अच्छा था, तो यही सब रीज़न है इसका। इसने अगर आप यहाँ पे आओगे डेली के ऊपर तो ये फ्लैग एंड पोल का जो है ब्रेकआउट दिया, ये जो चल रहा था यहाँ पे एक अच्छा सा शेकआउट भी हुआ था 5 डे को। सो दैट्स द रीज़न लॉन्ग ट्रेड लिया है। हिंडाल्को जो है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में ये करता है, इसको पहले भी हमने ट्रेड किया है, अगर आपको दिखाऊँ तो ये धन के ऊपर रहेगा शायद वो ड्रॉ। ठीक है, मैंने स्ट्रीम के अंदर भी ये एग्जांपल बताया था। सो दोस्तों, जिस मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन था हिंडाल्को के अंदर, मैं सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा था, इट्स 12:22, तुरंत से मोमेंटम इसने वॉल्यूम्स देखो, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेक किया है। ठीक है, आप देख सकते हो पुल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 461 की नियर बाय ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया है, 3000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट है अपना 365 के लेवल तक, तो यहाँ तक हम होल्ड करने वाले हैं, देखेंगे। अभी अभी तो स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट के नियर बाय आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये लो के नियर बाय। ठीक है, तो रिस्क फ्री अपना ट्रेड रहेगा क्योंकि अभी 1:1 अचीव हुआ है दोस्तों, एंड अब हम इनिशियल SL के साथ होल्ड करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। 465 का मैं स्टॉप लॉस टारगेट लगा देता हूँ आपको। ठीक है, तो फायर्स में टारगेट कैसे लगाना है काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आते हो आप, आपको बस सेल करना है, बाई किया ऑब्वियसली इनिशियल। तो
645 क्वांटिटीज मैं यहाँ पे सेल करना चाहूंगा, ठीक है। तो टारगेट लग गया अपना, तो देखते हैं, होल्ड करते हैं। 3700 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है वो। पोजीशन आप देख सकते हो, ए के लिए हमने ये जो अपना हिंदाल्को का ट्रेड है वो ए के लिए है। जिंदाल स्टील का या जेएसडब्ल्यू स्टील का ये था ऑर्डर 600 क्वांटिटीज का, वो हमने कैंसिल किया था। उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। मेटल्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली। सो देखते हैं, प्रॉपर टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। अभी भी 1% का मूव पेंडिंग है, तो प्रॉपर होल्ड करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, उतना बेयर करना पड़ेगा, एंड पुल बैक के बाद वापस से हाई ब्रेक करेगा तो हम स्टॉप लॉस और भी एग्रेसिव ट्रेल करेंगे, ये प्लान है। अपडेट करता हूँ दोस्तों, अगेन वेलकम बैक। इट्स 13:27 इन द आफ्टरनून, काफ़ी वेट करवाया इसने हिंदाल्को ने एक्चुअली। अगर देखो तो इस कैंडल के ऊपर अपना बाय हुआ था, एंड फाइनली अभी जो है अपना टारगेट 465 के नियर बाय जो है हिट हो चुका है। सो हमने इस कैंडल्स के ऊपर एग्जिट किया है। फायर्स के अंदर ऐसे एरोज दिखते हैं जहाँ पे बाय करते हो ब्लू एरोज, एंड यहाँ पे एग्जिट करते जब रेड एरोज, ठीक है। ये 470 तक भी जा सकता है, ठीक है। आई वॉज प्लानिंग कई 50% यहाँ पे बुक करो, एंड देन 50% रेस्ट यहाँ पे 470 के नियर बाय बुक करो, बट दैट्स ओके, टाइम नहीं मिलता है बाद में वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए भी। सो अभी के लिए हमने बुक कर लिया है टारगेट के पास, आप देख सकते हो। पोजीशंस दिखा देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आज एक ही ट्रेड मिला, 0.5% का रिस्क हमने इसके अंदर लिया था, ठीक है। आप देख सकते हो 6100 के अराउंड कुछ हमने इसके अंदर बुक किया है, ठीक है। सो होप, एंड आपको दोस्तों अगर रीजन वगैरह इन डेप्थ अगर जानना है, सो दोस्तों अगर रीजन वगैरह आपको इन डेप्थ जानना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो अपने चैनल के ऊपर, एंड लाइव जो है वो देख सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे लाइव जो है 2 आवर्स का ऑलमोस्ट लाइव मार्केट के अंदर मैं स्टॉक पिक वगैरह कैसे करता हूँ इन डेप्थ बताता हूँ, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो इन डेप्थ अगर आपको जानना है तो। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।